बेसिक्स ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आपकी फ़र्स्ट ईयर क्लास का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले लेक्चर ले रही हूँ आपकी बुक से, ताकि आपको आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी तो उसमें आप चैप्टर वाइज अपना पेज नंबर भी देख सकेंगे और साथ साथ मैं आपको दूसरी चीज़ें भी साथ साथ जो हेल्पिंग चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड करते रहूँगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप्स। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है ताकि हम एक ख़ास किस्म का जो प्रॉब्लम है उसको हल कर सकें। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट प्रॉब्लम को यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है? वर्क करता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम देते हैं सॉफ्टवेयर में। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर मार्केट में भी अवेलेबल हैं, हम नाम सुनते भी आ रहे हैं। तो ये जो है बेसिक, अभी आपने डेफिनेशन समझी है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। फिर हम एक उसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या है? कि वो चीज़ जो फिज़िकली पार्ट होगी कंप्यूटर का वो हार्डवेयर कहलाएगी। यूज़र जो है, यूज़र कौन होते हैं? वहाँ बंदे होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि इसे इस्तेमाल करते हैं, उसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाएँगे कि वो इसको यूज़ कर सकेंगे। तो हार्डवेयर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, इसके अंदर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आ जाता है, माइक आ जाता है, सीपीयू आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, यानी कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं वो इसमें आ जाएंगे। रिलेशनशिप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू, कि कैसे कोई काम करना है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना नहीं चल सकता। अ कंप्यूटर बिकम यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कम्बाइंड। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, तभी ये काम कर सकेगा। ठीक है, आपने ये लाइन नंबर देखिए। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर हार्डवेयर ने कैसे कब कहाँ पर काम करना है ये उसने उसे बताना है। हाँ, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एंड एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर कोई काम भी नहीं कर सकेगा इसके बिना। तो ये था रिलेशनशिप एक सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का आपस में। आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ देखनी है, इनका रिलेशनशिप जो है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो साथ साथ हमारे पेपर में भी आते रहते हैं कि हमने कि उसको सॉल्व करना है। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का तो बेसिक, वैसे ही बेसिक नॉलेज है कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को तो वैसे भी इसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है। अच्छा, अब है हमारा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, ये हमने डिटेल देखना है। तो पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसके इन्होंने 5 to 6 पॉइंट इसमें बताए हुए हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ये हम 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को बताता है कि इसने करना क्या है, काम क्या करना है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना चल भी नहीं सकता, उसका कोई भी काम हार्डवेयर के बिना अधूरा है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, और हम सॉफ्टवेयर को जो है टच भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, सॉफ्टवेयर इज़ डिबग इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हर लैंग्वेज की अपनी एक डिमांड होती है, उसकी एक वर्डिंग होती है। तो बग मीन होता है एरर एंड डिबग मीन होता है टू रिमूव एरर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है सॉफ्टवेयर में तो हम उसको क्या करेंगे, डिबग करेंगे।
अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी दूर नहीं हो रहा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है, हार्डवेयर इज़ मेड ऑफ फिज़िकल मटेरियल और कंपोनेंट। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल मटेरियल और कंपोनेंट से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर की बातें देखी हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डीबग करेंगे, सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे रीइंस्टॉल करेंगे, और हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल मटेरियल कंपोनेंट से बना हुआ है। अच्छा, अब आ गए हम हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर इज़ अ फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट कास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर को हम रियल आइज से देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ रिपेयर इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे डिबग करते हैं, और हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे रिपेयर करेंगे। हार्डवेयर वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे रीइंस्टॉल करेंगे, और हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे रिप्लेस करेंगे। सॉफ्टवेयर इज़ प्रिपेयर बाय द राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सॉफ्टवेयर को जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसको हम फिर बनाते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर फिजिकल मटीरियल से बनेगा और ये से। तो हमने डिटेल अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, उसके बारे में हमने रिलेशनशिप्स को देखा, उसके डिफरेंस को देखा हमने अच्छे तरीके से। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। द वर्ड रॉ मीन दैट द फैक्ट आर अनप्रोसेस्ड। डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डेटा इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट सोर्सेज। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। डेटा में डेटा इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर करेक्टर सिम्बल्स एंड पिक्चर एट्सेट्रा। डिफरेंट चीज़ों में ये मुश्तमिल होता है, और ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं। तो डेटा जो है हमें प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म वेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। द फॉर्म consist of raw facts about the student. These raw facts are card, student name, father name, address, etc. The purpose of collecting this data is to maintain the record of the student during the study period in the college. तो जो student अपने बारे में admission लेने आए हैं, जो एक अपने बारे में information सारी देते हैं, वो data कहलाते हैं। ठीक है, अब next हमारा topic है जी, what is information? इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। डाटा कैन प्रोसेस इन डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसिस इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। तो डिफरेंट लिटरेसी रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करता है। बात यह है कि मेन अब हमने डिफरेंस देखना है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। डाटा की हमने डेफिनेशन देखी है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। हमें इसके अनप्रोसेस फॉर्म में जो चीज़ होगी वो होगी डाटा, और जो प्रोसेसिंग फॉर्म में होगी, मीनिंगफुल फॉर्म में होगी, वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन। अब बात ये आ जाती है नेक्स्ट के, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। क्या डाटा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। हमने डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो उसको क्या कहेंगे? डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। डाटा इज़ द इनपुट, इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। हमने हमेशा जो इनपुट होगी वो डाटा होगी, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इंफॉर्मेशन होगी, और जो सारा ये प्रोसीजर चल रहा है वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटिंग का कहलाएगा। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप, दे आर परफॉर्म इन अ सीक्वेंस। द बेसिक स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलोज, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो अभी देख रहे हैं कि हम इनपुट में डाटा डाल रहे हैं, वो प्रोसेसिंग हो रही है, और आउटपुट में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। एग्जाम्पल क्या है? द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट। द प्रोसेस एड द मार्क्स एंड प्रोवाइड टोटल मार्क्स। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इज डेटा एंड द टोटल मार्क्स इज द इंफॉर्मेशन। आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं,
इंग्लिश में बच्चे के 80 मार्क्स हैं, मैथ में 95 हैं, कंप्यूटर में 76 हैं, तो हमने इन सबको ऐड किया है, जो टोटल मार्क्स आया है वो क्या है हमारे पास, 8। इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, तो यानी कि अब हम एडमिशन फॉर्म जब करते हैं लेते हैं तो हम बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा लेते हैं, उसके वो हम प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी हम एक हमारा मेरिट होता है उसकी अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाते हैं, फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा स्टूडेंट हमारे मेरिट पे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम उस हिसाब से उसका एडमिशन कर देते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन की और डाटा की एग्ज़ाम्पल है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, या आपने डिटेल इसकी डेफिनेशन भी देखनी है। अगर आपको कोई इसमें मसला है, प्रॉब्लम, आपको बात समझ में नहीं आई है, वैसे मैंने वर्ड बाय वर्ड डिटेल आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, तो आपने इसको पढ़ना, जो भी आपको कोई क्यूरी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो डिस्कस करेंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रही हूँ, वो है अहम टॉपिक है, पेज नंबर आपका 3 है बुक का, इसमें है कि जी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इन टू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। कि कंप्यूटर क्या एक ऐसी मशीन है जो कि प्रोग्राम की गई है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा और उसको साथ साथ स्टोर भी करेगा कि हम उसे बाद में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि बस आपने वक्ती तौर पे काम किया और वो गायब हो गया, ऐसे नहीं होगा। हाँ, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिटेल डेफिनेशन देख सके हैं, देख चुके हैं कि हार्डवेयर क्या, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो जो मशीन है वो क्या कहलाएगी, हार्डवेयर कहलाएगी, और जो प्रोग्राम है वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो हमने इनपुट देनी है और प्रोसेसिंग होनी है और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टली बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो से इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो सारी सॉफ्टवेयर से मिलेगा और परफॉर्मेंस कौन करेगा, हार्डवेयर करेगा। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज। ये आपके सामने एक डायग्राम दी गई है, अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो आपके लिए टॉपिक समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कि आप ये देख रहे हैं कि हम क्या हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं हमारी, डिफरेंट टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हम देखेंगे क्या है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू द सीपीयू। चलो अभी हम पहले इनपुट डिवाइसेस को ही डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को देंगे वो क्या कहलाएगा, इनपुट। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर के जरिए डाटा देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। दीज डिवाइसेस सेंड द डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं, कीबोर्ड है और माउस है, कि उसके ज़रिए हम इनपुट देंगे। फिर आ जाती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग में आप ये देख रहे हैं कि सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम करंटली इन यूज। तो सीपीयू का काम वो बता रहे हैं, जो मेमोरी होल्ड कर रही है वो रैम का काम बता रहे हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हमारी हार्ड डिस्क का काम बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग है यूज टू प्रोसेस डाटा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का दिमाग है वो सीपीयू है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सीपीयू इंटरप्रेट का मतलब उसे समझेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सीपीयू। मेन मेमोरी यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। इट इज आल्सो स्टोर प्रोसेसिंग डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। वो सारा अपनी प्रोसेसिंग करेगा, उसको समझेगा, जहाँ तक के जब तक पूरा काम नहीं हो जाता वो आउटपुट डिवाइस को भी अपना डाटा नहीं भेजेगा। द मेन मेमोरी इज क्लोजली रिलेटेड टू द कनेक्टेड टू द सीपीयू बट इज सेपरेट फ्रॉम इट। सीपीयू से कनेक्ट तो होती है लेकिन सीपीयू और मेमोरी जो है अलग अलग चीज़ें हैं। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या करेगी कि डाटा और प्रोग्राम को लेटर यूज़ के लिए सेव कर लेगी। अच्छा, ये हमारे दिखा रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाता है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ये क्या है इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल है। उन्होंने डायग्राम दिखाया हुआ है सारा, प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी इन सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड क्या है, मेमोरी क्या है, प्रोसेसर क्या है, सिस्टम यूनिट, उनकी डायग्राम मॉडल ये आपके सामने अवेलेबल है, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक हो गई बात बच्चों, अब हम आ गए पेज नंबर 5 पे। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस को। द डेटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। हमने अब इनपुट दिया, इनपुट डिवाइस के थ्रू उसके पास आया, प्रोसेसिंग हुई और हमने अब आउटपुट डिवाइस को अपना डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, तो मॉनिटर डिस्प्ले है, स्पीकर है, प्रिंटर। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आर द मॉनिटर एंड द प्रिंटर। स्पीकर भी है, बहुत ये कॉमनली यूज है। हमने इसी चैप्टर में डिटेल मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे, स्पीकर के बारे में, प्रिंटर के बारे में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी है वन बाय वन अभी हम पढ़ेंगे। अब आ गई है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, द मेन मेमोरी स्टोर डाटा प्रोग्राम टेम्परेरीली। रैम के बारे में वो ये बता रहे हैं, दो तरह की हमारी मेमोरी है, रैम और हार्ड डिस्क। रैम जो है वो डाटा को परमानेंटली नहीं सेव रखती, टेम्परेरी रखती है, उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो वो डाटा को परमानेंटली जो है वो सेव करेगी। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क ड्राइव, USB ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिवाइस सच एज CDs एंड DVDs। ये सारी क्या है एग्जाम्पल है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो ये जो है बेसिक जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटे आता है पेपर्स में भी, और कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन भी सारी इसी में दी गई है। अगर आपने ये टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो आपने डिटेल डायग्राम भी बनानी होगी, कंप्यूटर की डेफिनेशन भी देनी होगी, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में, सब के बारे में आपने इसको बताना भी होगा कि किस तरीके से हमने गणना है, आपने डायग्राम भी बनानी होगी, तो आप ये डिटेल इसके बारे में बताएंगे। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमने बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में रिलेशन डेफिनेशन देखी, उनका रिलेशनशिप देखा, उनका डिफरेंस देखा है, फिर डाटा के बारे में हमने देखा, एग्जांपल देखी, इंफॉर्मेशन देखी है, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, उनके बारे में डेफिनेशन, डायग्राम, ये हर चीज़ आपने डिटेल याद भी करनी है और समझनी भी है, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई हो। फिर हमने कंप्यूटर के बारे में देखा कि कंप्यूटर एक मशीन है जो प्रोग्राम की गई है, प्रोग्राम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया। इसमें डायग्राम देखी, इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में देखा, और ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल गई हैं। आपने ये पेज नंबर 5 तक अच्छी तरीके से तैयार करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, वो हमारे आप मुझे बताएंगे और मैं फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपसे इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू।